घर में शादी का समय है हाँ और तुम टल्ली मारता है, तुम सिनेमा देख, तुम्हारे घर में है अभी सिनेमा देखना तुमको सर। अब इतना शादी नजदीक आ रहा है, आपको कपड़ा खरीदना है लेकिन आप हमको लेके नहीं चाहिए। अरे बिल्कुल चलना है अब, आपको एक दिन सब बाकी चीज है के ना। लिए मूवी देखने के लिए फुर्सत है, लेकिन अभी हम एक यारा दिन काम दिन अगर आप करवा दीजिएगा उसके लिए आपको फुर्सत नहीं है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं हम आपका अपने स्नेह ब्लॉग में। देख सकते हैं जी, जिया कितनी व्यस्त है, सारे कपड़े बिखरे हुए हैं। जिया सारे कपड़ों को समेट रही है बैठ करके। इसी कपड़ों को समेटने में जिया का लगता अच्छा खासा समय लग जाएगा। जिया का मैंने नाम जो सफाई देवी बहुत सोच समझ करके रखा हुआ है, क्योंकि जिया को जब मौका मिलता है सारे कपड़ों की सफाई करती रहती है। एक दिन में अच्छा खासा ढेर लग जाता है और फिर समेटती रहती है। क्या हुआ, ये सभी चादर खींचा जाएगा आज? दीपावली में नहीं खींचेंगे। कोई बात नहीं, सफाई देवी थी उसको दे देती, सारा वॉशिंग मशीन में डुबा के सब खींच देती। वॉशिंग मशीन में डालेंगे हम। जी तैयारी चल रही है खाना बनने की। आज बन रहा है लौकी की सब्जी। लौकी एक पपीता है, नहीं लौकी है। ये क्या पी रही है? दूध, हॉर्लिक्स। वाह, अभी खड़े हम यहाँ बिजली ऑफिस के पास और हम लोग जा रहे हैं पूर्णिया जी। हम लोग से ध्यान आया कि आपको बताया ही नहीं, आज हम जा रहे हैं मूवी देखने अपने सारे दोस्तों के साथ। तो वेट कर रहे हैं जी, उधर से मेरा दोस्त मणिकांत और ऋषभ आ रहा है, तो उसके बाद चलेंगे। एक मूवी लगी है ड्यून, सुना है कि अच्छा है जी। मूवी अच्छा हो या ख़राब हो, यहाँ पर थोड़ा एक बाहर जाने का मुझे बहाना चाहिए, तो एक आउटिंग हो जाता है, एक मन भी बहल जाता है। तो हमारे कटिहार में कोई है नहीं इस टाइप का मल्टीप्लेक्स, तो पूर्णिया में ही अच्छा जैसा, तो वहीं पूर्णिया जा कर के देखेंगे। देखते हैं बाकी कैसा मूवी रहता है, आपको बताते हैं। तो आ गया है ये लोग, अब चलते हैं सभी के साथ। पहुँच गए यहाँ बस स्टैंड, अपने बस एक दोस्त का इंतजार है शिवम। क्या लग रहा है, छोट छोट गया होगा? आ रहा है 10 मिनट में आ रहा है वही। हम लोग तो सवेरे उठ जाते हैं, बस दो लोगों पर डाउट रहता है, एक मणिकांत और एक शिव। सबसे पहले हम ही आए आज 10 बजे। हाँ लेकिन ये बात एक सबसे पहले यही आया है, और बाकी सूरज जो है उसका तो इतिहास रहा है सवेरे नहीं उठने का। मिसकैलकुलेशन होते होते बच गया, जो मूवी देखने जाने वाली मूवी है ही नहीं। बिल्कुल हाँ, पहले जी हम लोग सोच रहे थे 10:30 का शो देखेंगे, और हम लोग क्या पता पूर्णिया निकल भी जाते, लेकिन एक दोस्त ने जो है देख लिया पहले कि भाई करा यार 10:30 तो कोई मूवी है ही नहीं। तब हमने देखा तो 12:15 का शो है, तब जा रहे हैं देखने। तो फाइनली जी आप शिवम भी आ चुका है, अब इसके बाद चल रहे हैं वहाँ पर। पहुंच गए हैं यहाँ सिनेमा हॉल, अब यहाँ से चल रहे हैं अंदर। मणिकांत अपना कोल्ड ड्रिंक खत्म कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक खत्म करेगा तभी मास्क पहने का, बिना मास्क की एंट्री नहीं है। चलते हैं अंदर। जी हम लोग मूवी देख करके निकल गए हैं, क्योंकि यह मूवी था साइफ है, तो अभी तक चर्चा ही चल रहा है कि आखिर क्या था सीन में और क्या था मूवी में। बहुत सारे से सवाल है जिनका जवाब हमें नहीं मिला है, वो अब यूट्यूब पर जो है उस फिल्म का क्या बोलते हैं, इसको कोई रहता है ना जो बताता है स्टोरी अच्छे से, समरी बताता है, तब वो देखना पड़ेगा। हम लोग आ रहे हैं जी डोमिनोज, पूर्णिया में है डोमिनोज एक जी। हमारी हो गई पेट पूजा, और पेट जो लग रहा है अच्छा खासा फुल हो चुका है, इसी तरह से ख़त्म हो गया है। अब 3 दिन मंगा लिया गया था पिज्ज़ा, तो लग रहा था 2 ही काफ़ी था, लेकिन ख़त्म कर लिए किसी तरह से। और रास्ता तो जर्किन भरा है, तो पेट में कुछ बिल्कुल इंडिया न्यूजीलैंड का मैच है, वो तो जाना जरूरी है, बिल्कुल देखना जरूरी है वो। चलते हैं। फाइनली जी हम पहुंच गए हैं घर, और घर पहुंच करके जी अब थोड़ा सा आराम करेंगे, बहुत ज्यादा थक गए थे जी। बस से हम आए नहीं, इस बार आ गए ऑटो से, और ऑटो से हुआ क्या जी, थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी, तो जो रास्ता हमें कम देर का लगता थोड़ा सा ज्यादा समय लग गया, इसकी वजह से थोड़ा सा हैरेसमेंट भी हो गया। और थोड़ा सा सवेरे आज हम उठ गए थे, तो सवेरे उठने की वजह से नींद भी पूरा नहीं हुआ था, रात में लेट से सोए थे, और उसके बाद जी मूवी और वो खाना पीना थोड़ा बहुत घूमना इसमें हो गई थका। यहाँ जिया को देख सकते हैं, जिया इस बात से नाराज है कि हम कहे थे कि कुछ देर पहले आएंगे लेकिन थोड़ा लेट से आए, इसलिए जिया जो है बात नहीं कर रही है। क्या क्या चल जाए यहाँ से, माथा मत खराब। कहाँ जाए हम बताओ, जहाँ जाना है कहाँ जाना है बताओ ना, हमको नहीं मालूम कहाँ जाना है। वाह नाक पर पेन से लिखी है, क्या है वो, फैली जा रहा है, क्या पता क्या है।
झूठे का हट गया। अभी है तुमको वीडियो में दिखाएंगे हम। ठीक जाइए अब यहाँ से। कहाँ जाए हम पहले बताओ। वो भूखा ही नहीं है आप। नहीं भूखा नहीं रहे, बताओ कहाँ जाएंगे। जाके डैडी को बोल देंगे समझे। चलो डैडी के पास। आपको क्या लगता है, हमको डर लगता है जाने में क्या। नहीं चलो जाके दिखाओ ना एक बार। सीढ़ी पे पेंट हुआ ज्यादा, जाने ने बोला गया। अच्छा तो उस पर चलेगी तो उल्टी डांट सुनेगी। अपना चप्पल पहन के आए हैं उसके लिए लगेगा आपको डांट। अच्छा हम बोलेंगे हम पहन करके नहीं आए हैं। देखे खुद कोई और पहन करके। डैडी खुद देखे। जी अभी मैच देख रहा हूँ और आज भी अपने इंडिया की हालत थोड़ी खस्ता है। देख रहा हूँ कितने 70 रन पर 5 विकेट गिर चुके हैं। भगवान जाने जी क्या होने वाला है, उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा ही हो। इसी बीच जिया फिर से नाराज हो गई है और नाराजगी मुझे क्रिकेट दिख रही है। जो क्रिकेट कभी नहीं दिखती आज क्रिकेट की तरफ देख रही है। तो आपको क्या दिक्कत हो रहा है। तो जिया की नाराजगी इस वजह से है कि हमें जाना था ज्वेलरी शॉप, हम आए जी लेट से, तो बेचारी का अब जो ज्वेलरी आज से हम बोल रहे हैं 2 महीना से बोल रहे हैं कि हमको जाना है, काम है, लेकिन आप लेके नहीं जाइएगा। अब इतना शादी नजदीक आ रहा है, हमको कपड़ा खरीदना है, लेकिन आप हमको लेके नहीं जाइएगा। अरे बिल्कुल चलना है आपको, सब चीज के लिए मूवी देखने के लिए फुर्सत है, लेकिन हमारा काम अगर आप करवा दीजिएगा उसके लिए आपको फुर्सत नहीं है। खतरनाक बॉलिंग कर रही है न्यूजीलैंड की टीम, एक एक रन के लिए तरसा दिया है वहाँ पर। भले 2 हिटर है सामने, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या, फिर भी रन नहीं निकल रहे। हार्दिक पांड्या भी आउट, लो भाई शार्दुल ठाकुर भी आउट, क्या चल रहा है। चलिए जी पारी खत्म हुई, जडेजा ने थोड़ी बहुत इज्जत बचा ली, अपना 100 रन के पार चला गया आंकड़ा। सीढ़ी में पेंट होना भी स्टार्ट हो गया जी, सीढ़ी में अभी तक कुताई नहीं हुई थी, यहाँ तो लग गया, बाकी सब कुताई हो गया था, बस सीढ़ी में नहीं हुआ है। अब देख सकते हैं वहाँ नहीं हुआ है, ऊपर वाला जितना भी सीढ़ी है सभी पर कुताई हो चुका है। तो शादी की तैयारी ही चल रही है जोर शोर से। और मैं यहाँ देख रहा हूँ मम्मी ने जो है हुक्का पाती पहले से ही खरीद करके रख लिया है। दिवाली में अभी टाइम है लेकिन मम्मी ने अभी से ही खरीद लिया। दिवाली में तो अभी अच्छा खासा टाइम था, अभी का ही खरीद ली हुक्का पाती। वो पिछले साल भी आई थी डैडी को देने के लिए। तो वकील साहब उसको नाम याद था, थी बूढ़ी, तो हमको ममता लगा। अच्छा यहाँ घर में देख आकर वकील साहब, हम बोले तो सुनिए रह रही थी कुछ, हे वकील साहब चला लिया, लेकिन पैसा उसको 50 रुपया चाहिए था 5 ठो का। अच्छा। गरीब बूढ़ी थी यहाँ आई, तो हम बोले वकील साहब को कि आप ले लीजिए। घर में शादी का समय है और तुम टली मारता है, तुम सिनेमा देख, तुम्हारे घर में है अभी सिनेमा देखना तुम आज भर था कल से हम लग जाएंगे प्रॉपर। कल से तुम कहीं नहीं जाएगा, इसलिए अपना घर का काम करो, शादी संपन्न करो और अभी वर्तमान में खाना खाओ। तो आज खाना हम देख रहे हैं बचा हुआ चावल बना हुआ है। तुम लोग सब का हिस्सा चावल बच गया ना, इसलिए अभी उसको फ्राई किए हैं। अच्छा चावल सब्जी और रोटी। जिया तो पहले ही अपना खाना लेकर के बैठ गई है। जिया को लगता है फ्राइड चावल जो है काफी अच्छा लगता है ना। और लेके हाँ जी, तो अब जो है शादी भी नजदीक आ रही है और हमारा जो गाड़ी आने का डेट है वह भी नजदीक आ रहा है। टली मारना जारी रहेगा, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है, अब वो संविधान हमने बनाया है। बिल्कुल जी, अब शादी तक हम कहीं भी टली मारने नहीं जाएंगे जी। अब अचानक से कोई केस आ जाएगा, बाहर जाना पड़ेगा, वो तो जाना ही पड़ेगा। बुला रही है खाना खाने। हाँ ठीक है आ रहे हैं। तो मम्मी जी अब खाना खाने बुला रही है, अब ऐसा करते हैं इसको यहीं पर रखते हैं, कुछ दिनों में जी शादी भी आएगी तो शादी का हर चीज आपको दिखाएंगे। और उम्मीद करते हैं जी हमारी गाड़ी में कोई भी करने के लिए शादी का। हाँ जी, और उम्मीद करते हैं जी हमारी गाड़ी में कुछ लस्की ना लगे, उम्मीद करते हैं कि वह जो लोन है इजीली पास हो जाए, तो जब गाड़ी आएगी वह भी आप लोग को दिखाएंगे जी। तो अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले। और हाँ जी हमारे वीडियो को एक शेयर जरूर कर दे, आपके एक शेयर से मैं बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।